डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग टेंथ क्लास में मैथ को एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना शुरू किए हैं और इसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी के 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इस निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग एनसीईआरटी की किताब से 7.2 क्वेश्चन का पूरा हो गया हम लोग को कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 की पूरी क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। सबसे पहले 7.3 में हम लोग किसी भी चीज को थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, अब वो थ्योरी क्या है जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो थ्योरी में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट वीवीआई पॉइंट्स है कि अगर किसी भी त्रिभुज का हमें, त्रिभुज में सबसे पहले कितने शीर्ष होते हैं या फिर कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष या 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं भी होते हैं। लेकिन 3 शीर्षों का अगर हमें निर्देशांक दिया रहे या फिर तीनों का मुझे बिंदु का निर्देशांक पता रहे, तीनों बिंदु का, तो हम उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मान लिया कि एक ट्रायंगल है, एक क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है और इस त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। हम तीनों शीर्षों का नाम रख दिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब ए का कुछ निर्देशांक दिया रहेगा दोस्तों। सवाल में अगर हम लोगों का किसी भी त्रिभुज में तीनों बिंदुओं का अगर निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग किसी भी त्रिभुज का अगर 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा तो हम लोग उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वही हम लोग सीख रहे हैं। तो त्रिभुज का 3 बिंदु हो गया एबीसी। अब ए का निर्देशांक हमको पता नहीं है, x1, y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2, y2 और इसको मान लिया जाए दोस्तों x3, y3। ठीक है, x3, y3। तो इस तरीके से जैसे हम लोग एक्स वाई तो हम लोग निर्देशांक समझते हैं, सबसे पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। लेकिन अगर a नाम दे दिया, b नाम दे दिया, c नाम दे दिया, क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों ही शीर्षों का हम अगर अपने से बिंदु मान रहे हैं, एक का निर्देशांक x1, y1, एक का x2, y2, एक का x3, y3। अगर तीनों बिंदु का निर्देशांक हमें दोस्तों पता रहेगा तो हम लोग आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/2 लिखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ना इसमें बड़ा फॉर्मूला है तो आपको हम ट्रिक पे दिखलाएंगे। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं ना, इस त्रिभुज के फॉर्मूला को भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं है कभी, आपके लिए हम शॉर्ट लेकर आते हैं कोई भी चीजों को। चलिए हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आप पढ़ते होंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। भाई वो सही है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सवालों में जहां पे आधार और ऊंचाई देबे नहीं किया है, दिया ही नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज का 3 बिंदु दिया रहेगा, 3 बिंदु का निर्देशांक, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आज हम लोग वो चीज सीख रहे हैं। आधार और ऊंचाई वाला यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि अच्छा अब समझ में आया हम लोगों को कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है।
बहुत सारा है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई करना है वो चीजें अब हमको समझ में आ गया, क्योंकि अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला तब पुट करेंगे दोस्तों, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब किसी भी त्रिभुज का तीन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। अब उसका फार्मूला देख लीजिए, उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसका फार्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट कर लो, एक्स लिखो, ठीक है, एक्स लिखो और फिर वाई माइनस वाई लिखो। देखना भाई, x ब्रैकेट y माइनस y लिखा, ठीक है, यानी कि आपको जो है ना उन चीजों को इस्तेमाल करना है। फिर आप लिखा x, फिर y माइनस y, कितनी बार लिखना है, तीन बार। x बाहर निकाले, y माइनस y लिखा, फिर प्लस x को बाहर किया, y माइनस y, फिर से आपको दोस्तों x बाहर करना है और y माइनस y लिखना है और बड़ा ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। यानी कि बहुत सिंपल है और आपको हो सकता है कि लाइफ में आने वाले में आप ये फॉर्मूला भूल जाओ, तो यही ट्रिक अपनाना, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, समझो अच्छे से। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का तीनों बिंदु दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हम लोग यहां पे कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो x ब्रैकेट में y माइनस y लिखना है, फिर से प्लस देकर x y माइनस y, फिर से प्लस देकर y x देकर y माइनस y, ठीक है। आपको जो शुरू करना है, काउंटिंग आप कहां से शुरू करते हो, काउंटिंग आप कहां से शुरू करते हो भाई, तो काउंटिंग x से शुरू करते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ना शुरू करते हो। आपको तो यहाँ पे कितना बिंदु होता है त्रिभुज में, कितना शीर्ष होते हैं, तीन होते हैं, तो आपको काउंटिंग जो करना है वो एक से शुरुआत करना है, कहां तक जाना है, तीन तक। तो इसका फार्मूला बन गया दोस्तों, x1 y2 y3, ठीक है। अब की बार हम वन से शुरू किए हैं ना, आपके पास तीन ही नंबर है, हम पहली बार एक से शुरू किए, दूसरी बार आपको दो से शुरू करना है, 2 3, फिर से रिवर्स आना है 1, तो यहां पे हम कर दिए 2 3 1 2 3 1। अब की बार हम पहले में 1 से शुरू किए, फिर 2 से शुरू किए, तो अब की लिखने के लिए हम 3 से शुरू करेंगे, तो 3 1 2 3 1 2, यानी कि यहां 3 लिख दिया, यहां 1 और यहां 2 3 1 2, ठीक है। अब रहा बात की सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 कहां से लिख रहे हो आप भाई, देख लो, आपको ये चीज समझना चाहिए कि हम लोगों को तो तीन ही शीर्ष होते हैं किसी भी त्रिभुज में, तो अगर हम एक से शुरुआत करेंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे ही ना बार बार रिपीट हो जाएगा। जैसे भाई आप समझो, एबीसीडी में आप कितना लेटर सीखते हो, 26, ए से लेकर कहां तक, जेड तक, और फिर अगर जेड खत्म हो जाता है फिर से आप शुरू करते हो ना एबीसीडी, एबीसीडी करते करते जेड गए, फिर आपको एबीसीडी स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहां पे जो काउंटिंग करना है हम लोग तीन तक करना है, और 1 2 3, फिर से 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही स्टार्ट होता रहेगा। तो जब 1 2 3, तो आपको पहला काम 1 से शुरू करना है, तो 1 2 3 हुआ, ठीक है। फिर अब की बार हम 1 से शुरू किए, तो अब की बार 2 से शुरू करना है, 2 3 1 हुआ। अब की बार हम लोग 2 से शुरू किए, तो अब की 3 से शुरू करेंगे, तो 3 1 2 हुआ। इसी कड़ी में अब हम लोग को फॉर्मूला याद हो गया, क्या याद हो गया, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 छोटा ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 बाहर करके छोटा ब्रैकेट y1 माइनस y2 और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो अगर इतना चीजों को आप याद रखिएगा तो आपको खुद भूल जाएंगे, खुद आपको अंदर से ना कंफ्यूजन आने लगेगा कि सर
कहां x1 था, कहां y2 माइनस y3 करना था, ये चीजों को लेकर। तो आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट है, एक ही चीज को बार बार लिख लो और 1 2 3 2 3 1 3 1 2 आंसर कंप्लीट। तो अब रहा बात की सर x1 का वैल्यू, तो ये वाला रख देंगे, y2 का वैल्यू ये रख देंगे, y3 का वैल्यू ये रख देंगे, सबका वैल्यू रख देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं। आप समझ पा रहे होंगे यहां पे हम लोग फार्मूला को, आप जरूर इसको नोट भी कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर, ठीक है, तभी हम लोगों को समझ आएगा। क्योंकि एक चीज को सीखने के बाद अगर उसका हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीजों को समझ नहीं आएगा। तो 7.3 एक्सरसाइज में पहला का दो क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें बोल रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या कीजिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम पहला में देख पा रहे होंगे यहां पे, जस्ट मिनट, बुक में क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। पहला में बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष तीन तीन ठो करके दिया हुआ है, ठीक है। पहला में दो क्वेश्चन है, हम पहला का पहला सवाल बताते हैं। हम लोगों को बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका तीन बिंदु नीचे दिया गया है। अब पहला में पहला क्या क्या बोल रहा है, 2 3, फिर कॉमा लिखा है, फिर -1 0 -1 0, फिर कितना, तो 2 -4 2 -4, ठीक है दोस्तों। यहां पे आप देख पा रहे हो कि यहां पे तीन बिंदु दे दिया, तो हम किसी को भी मान सकते हैं। हम मान लिए इस, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया हम लोगों का x3 और ये हो गया दोस्तों y3, ठीक है। सबका वैल्यू तो पता चल रहा है, शुरू से ही हम लोग करते हैं। x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, X3, Y3 दे दिया। चाहो तो आप इसका फिगर भी एक तरफ बना लो, वो अच्छा चीज हो जाएगा, हम लोगों का थिंकिंग लेवल हाई हो जाएगा। यहां पे एक बिंदु का नाम कुछ नहीं दिया, आप मान लो P, आप मान लो Q, आप मान लो R। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि P, Q इधर ही देते हैं, आप यहां पे भी कर लो Q, R, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप करो क्या, P किसी को भी मान लो, तुमको मन है इसको 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 किसी से भी मान लो, हमको तो मतलब है नहीं, हमको x1 y1 x2 y3 ये सबसे मतलब है हम, लेकिन सीरियल मानेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि सीधे तरीके से चलना, ठीक है। तो यहां पे हो गया हम लोगों को क्या भाई, 2 3, ठीक है। q का मान यहां पुट कर लेते हैं, -1 0, ठीक है, -1 0 यहां पे पुट कर लेते हैं, 2 -4। तो ये थोड़ा सा अच्छा चीज लगने लगा कि चलो भाई त्रिभुज बना दिया, सबका निर्देशांक दे दिया। अब यहां पे फार्मूला बनाओ, आप अगर चाहो तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी से आप बना सकते हो, इसका तो जरूरत ही नहीं था हमको, लेकिन थोड़ा सा बना दिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम लोग को सॉल्यूशन में देखने में कि हाँ भाई सच में त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ रहता है उसको आप x1, y1, x2, y2, x3, y3 लिख लो। तो यहां से सबका वैल्यू तो पता चल गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने बोल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लिख लो, और फार्मूला याद नहीं करो, ट्रिकली समझो। कैसे लिखते हैं, 1/2 ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट में y-y प्लस एक्स y-y प्लस एक्स y-y छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। कोई दिक्कत दोस्तों? नो दिक्कत। अब आपको हम एक रूल सिखाए हैं कि आप हमेशा 1 से शुरू करो। आप यहां 1 से शुरू करोगे तो 1 2 3 1 2 3, फिर यहां से शुरू करेंगे 2 3 1 2 3 1, फिर शुरू करेंगे यहां पे 3 2 1, अब की बार 3 से शुरू कर दी, सॉरी 3 2 1 नहीं 3 1 2 ना 3 1 2, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 होता है, फिर 2 3 1 और 3 1 2, ठीक है, ये कोडिंग कर दिए।
अब हम लोग को यहां पे 1 बाई टू ब्रैकेट एक्स वन का वैल्यू कितना है भाई 2, फिर ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू कितना है 0, माइनस कितना करना है वाई थ्री, तो ये माइनस है और ये माइनस वाई थ्री पहले से ही है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, या फिर आप यहां पे माइनस फोर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो डायरेक्ट करने से पता नहीं चलेगा। हम क्या लग दिए, एक्स वन का वैल्यू वाई टू का वैल्यू 0, माइनस फार्मूला से वाई थ्री का वैल्यू माइनस फोर, फिर यहां पे प्लस है एक्स टू, तो एक्स टू कितना है भाई माइनस वन, तो इस एक्स टू के जगह पे माइनस वन रख दिया, फिर ब्रैकेट है वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री कितना है माइनस फोर और माइनस वाई वन कितना है 3, तो वाई वन के जगह पे 3 रख दिया, ठीक है। फिर प्लस एक्स थ्री कितना है, एक्स थ्री हम लोगों का 2 है, तो यहां पर रख दिया 2, ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, तो वाई वन कितना है 3 और वाई टू कितना है 0, तो 3 माइनस 0। दोस्तों फिर करेंगे क्या, 1 बाई टू ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 का तो 0 है और ये माइनस माइनस प्लस 4, तो यहां सिर्फ इंटू 4 कर दिए, और यहां पे प्लस माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 4 और माइनस 7 मिलके कितना हुआ माइनस 3 माइनस 7, ठीक है। यहां पे प्लस माइनस माइनस हुआ, ठीक है, और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और बीच में ब्रैकेट है तो का मतलब गुना, फिर प्लस 2 है और 3 माइनस 0, तो 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा ना, और 3 को फिर 2 से गुना भी करना है 6 हो गया। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास जगह नहीं है, फिर से हम लोग ऊपर से करते हैं तो चीजों को समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए तो हम लोगों को मिला 1 बाई टू ब्रैकेट 2 चौका 8 गुना का पहले करते हैं, यहां पे माइनस 1 है और माइनस 7 है, तो माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस 7 और यहां पे प्लस 6, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का बन रहे क्या 1 बाई टू और 8 7 15 और 15 और 6 21, तो 21 यहां पे बन रहा है जोड़ने के बाद, ठीक है, और 21 को 1 से गुणा किया तो 21/2। अब देख लेते हैं कि ये हम लोगों का आंसर 21/2 जो आ रहा है वो पॉइंट में दिया है आंसर कि किस में दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोगों को ना 21/2 का 21/2 ही दिया है, हम लोगों को पॉइंट में चेंज नहीं किया है, वर्ग मात्रक लिख दिया है, तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है इसलिए यहाँ पे वर्ग मात्रक लिखा है। तो हम लोग जिस तरीके से दोस्तों पहला का पहला क्वेश्चन को बनाए हैं, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालिएगा इसी फार्मूला का यूज करके, कौन सा फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y2 - y3 प्लस x3 y1 - y2। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहां पे फार्मूला यूज जो कर रहे हैं उनको याद रखने में थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसलिए दोस्तों उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हम बहुत बढ़िया फार्मूला का ट्रिक बता दिए हैं, आप उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो पहला का हम एक क्वेश्चन बताए हैं, आप दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद एक नोट करके बात को लिखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज अ वेरी वेरी नोट इम्पोर्टेंट नोट्स पॉइंट, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अभी हम लोग नोट्स में लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या भाई, तो अगर कोई 3 बिंदु संरेखी के बारे में बोला जाए, क्या फिर से बोलते हैं इस बात को, यदि तीन बिंदु अगर संरेखी होंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों 0 के बराबर होता है। कब कब, जब यहां लिखेंगे नोट में, यदि
तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं संरेखी हो तो, संरेखी हो तो, तीन बिंदु क्या हो, संरेखी हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो जीरो के बराबर होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको जो है इन चीजों को जरूर याद रखना चाहिए कि अगर तीन बिंदु, अगर तीन बिंदु सवाल में बोल रहा है कि संरेखी है, क्या है संरेखी है, तब हम लोग को खुद से ख्याल आना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उस कंडीशन में जीरो होगा, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम उल्टा भी पूछ सकते हैं, आपसे कोई सवाल उल्टा भी पूछ सकता है कि भाई आप बता दो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस स्थिति में, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में जीरो होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई तीन गो बिंदु जो होगा ना अगर संरेखी होंगे, नाम अच्छा से सुनिए, एक आपका दोस्त का नाम जो होगा ना वही संरेखी, देखो पढ़ाई से आप दोस्ती करो, जैसे आप दोस्त का नाम उसके चेहरे से, उसके नाम से आप याद रखते हो, वैसे ही मैथमेटिक्स चाहे साइंस चाहे ऑल अदर सब्जेक्ट को आप उससे दोस्ती करो। कोई भी चीजें हार्ड नहीं है, बस अर्थ उसको दिल से, लगन से, परिश्रम से उसको मेहनत करो, सभी चीजें आसान होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप एक बात को याद रख लो दोस्त की तरह कि अगर संरेखी होता है, सवाल बोलता है संरेखी, फटाफट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और जीरो के बराबर करेंगे। जरा इसका हम लोग इस्तेमाल देखते हैं कि कहां इस्तेमाल करना है। तो इन बातों को नोट में करके लिख लीजिए, कहीं अच्छी जगह पे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग पहला सवाल देखते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। तो दूसरा में बोल रहा है, इसमें भी दूसरा में भी दोस्तों दो सवाल है, दूसरा में कितना सवाल है, दो सवाल है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो, ठीक है। सवाल में पहला में सबसे पहले ही शुरू में बोल दिया कि पहला में भी k का मान ज्ञात करना है, वैसे ही जब आप दूसरा सवाल बनाएंगे उसमें भी आपको k का मान निकालना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है ताकि तीनों बिंदु जो है ना संरेखी हो, तीनों बिंदु तो इसमें भी क्या बोल रहा है, इसमें भी बोल रहा है दिया है, दिया है तीनों बिंदु संरेखी है। दोस्तों पहला सवाल के लिए भी k का मान निकालना है, दूसरा सवाल के लिए भी k का मान निकालना है, इसमें भी बोला है कि तीनों बिंदु जो है संरेखी है, और इसमें भी दिया है, क्या दिया है, तीनों बिंदु संरेखी है, ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी है। तो दोनों में सवाल जो है बिल्कुल सेम है, हालांकि इसमें कुछ बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन सा बिंदु दिया है जरा देख लेते हैं। तो इसमें जो बिंदु दिया है वो दिया है 7-2, 5x, 5x, फिर 3k, ठीक है, और इसमें भी दिया है, आप लिख लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन को बता रहे हैं और आपको ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बताना है, ठीक है। हम सवाल समझा दिए हैं, हम पहला क्वेश्चन में बता रहे हैं, आप दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। अब सवाल समझो भाई, सवाल में हमें k का मान निकालना है और हमें ये भी सवाल में बोला है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, और तीन को बिंदु दे भी दिया है सवाल में। तो जब तीनों बिंदु दे दिया है तो हम किसको किसको x1 किसको y1 जरा लिख लेते हैं। ये हम लोगों का हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2, ये हो गया दोस्तों y2, ये हो गया हम लोगों का x3, ये हो गया y3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे, अब
अब यहां पे कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? तो जब तीनों बिंदु स्तनरेखी होते हैं तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ना भाई, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में जीरो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ही होता है तो एक बटा दू ब्रैकेट, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला नीचे लगा देते हैं तो एक बटा दू ब्रैकेट एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री ब्रैकेट प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, ठीक है, प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू बराबर ब्रैकेट से बराबर जीरो, ठीक है। ये चीज तो हमको याद था इसलिए हम लिख दिए हैं, अगर आप याद भूल रहे होंगे तो फार्मूला सब चीज में वन टू थ्री टू थ्री वन थ्री वन टू ये लगा दीजिएगा। फिलहाल सबका मान जो है हम लोग यहाँ पे दोस्तों पुट करने वाले हैं, तो चलिए आप देखते चलिए कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इधर माय एक बटा दो है, आप इधर एक बटा दो करेंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट देंगे, एक्स वन तो एक्स वन का वैल्यू कितना है सेवन, फिर ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री तो वाई टू कितना है वन माइनस वाई थ्री कितना है के, ठीक है, फिर प्लस एक्स टू तो एक्स टू कितना है यहां पे फाइव ब्रैकेट y3 थ्री माइनस वाई वन तो y3 कितना है k माइनस वाई वन तो y1 कितना है माइनस टू, ठीक है, फिर प्लस x3 तो x3 का वैल्यू भाई तीन, फिर ब्रैकेट y1 वन माइनस वाई टू तो y1 कितना है माइनस टू और माइनस y2 तो y2 कितना है वन ब्रैकेट बराबर जीरो, ठीक है। अब आप समझो बात को, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं वन बाय टू ब्रैकेट सात को एक से गुणा करो, सात एकम सात माइनस सात को के से तो सेवन के, फिर प्लस पांच ब्रैकेट में के होगा और ये माइनस माइनस प्लस टू हो गया ना, और यहां पे हो गया तीन और यहां हो जाएगा माइनस तीन, ठीक है, और माइनस टू और माइनस वन मिलकर माइनस थ्री और माइनस थ्री को थ्री से गुना करेंगे तो माइनस नाइन और ब्रैकेट में जीरो, ठीक है। तो आप कीजिए क्या, यहां से तो हम लोगों का चलते चलते एक्स का मान निकालना है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चल रहे हैं और एक्स का वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या होगा वन बाय टू ब्रैकेट सात माइनस सात के पांच को के से करेंगे, पांच के पांच को दो से करेंगे दस और माइनस नौ ब्रैकेट जीरो, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बाय दो के वाला को एक साथ रखे तो ये माइनस सेवन के है, ये प्लस फाइव के है तो के और के का एक साथ में जोड़ घटाव होगा तो ये माइनस सेवन है ये प्लस फाइव है तो माइनस टू के बच रहा है, और सात और दस सत्रह और सत्रह में से नौ गया कितना बचेगा तो सत्रह में से नौ गया प्लस में आठ बचेगा बराबर में कितना जीरो। अब हम लोग जानते हैं ना भाई कि जो बाहर रहता है उसको इससे भी गुना कराते हैं और इससे भी गुना कराते हैं तो इसको सिर्फ इससे गुना कराएंगे तो दो से तो दो कट जाएगा एक बार में तो यहां क्या बचेगा माइनस के, और ये दो से कितना बार में कटेगा चार बार में तो यहां हो जाएगा प्लस चार बराबर में जीरो। अब उसके बाद देख पा रहे होंगे यहां से तो ये माइनस के है अभी प्लस में चार है उधर जाएगा तो कुछ ही में होगा माइनस में चार तो माइनस माइनस हम लोगों का क्या हो गया कट गया तो दोस्तों k का वैल्यू कितना हो गया चार। तो हम लोगों का दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों का आंसर आ गया k का वैल्यू फोर। जरा आंसर को देख लेते हैं कि आया है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल हम लोगों का करेक्ट आंसर है और सेम दोस्तों दूसरा का भी ना दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है, वहां पे भी बोल रहा है कि तीनों बिंदु स्तनरेखी है, ठीक है, और उसमें भी हम लोगों का k का मान निकालना है, ठीक है। तो आप इन चीजों को जो चीजों को हम छोड़ते जा रहे हैं दोस्तों
उसको आपको ट्राई करना है घर पे, चीजों को बढ़िया से समझना है। और देखो कोई भी तेज शुरू से नहीं होता है, आप भी तेज हो सकते हैं, करिए क्या। हम ये क्वेश्चन को बता रहे हैं, अगर आप और इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज के पहले कुछ एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को लिख लो और खुद से क्षेत्रफल निकालो। तो अंदर से जो खुशी मिलता है ना जब आंसर मैच कर जाता है, चलो हमने कुछ सीखा, कुछ पाया, कुछ प्रॉब्लम को समझा। तो मेरा कहने का मतलब कि चीजें बिल्कुल हार्ड नहीं है, हम यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ही करवा पाते हैं, मेरे साथ मजबूरी है, हमारे साथ 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 आठ आठ क्लासेस ऑनलाइन को अप्लाई किया हुआ है जिसको सेटेबल करना पड़ता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा मजबूरन अवस्था में दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन जो भी होता है आपके लिए अगर कम हो दोस्तों तो आप अंदर से मेहनत करें। पीछे की जो एग्जांपल में क्वेश्चन रहती है जैसे ये चीज बताया, अब आपको तो समझ में आ गया ना कि त्रिभुज का तीन बिंदु रहता है तो हम लोग उसका कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल। तो आप पीछे वाले जो एग्जाम्पल की क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को लिखो और प्रैक्टिस करो। मैथ इज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस से ही आपका मैथ्स बेस्ट होता है, ये बात समझ लो ना। तुम रट के बन सकते हो, और आपको आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप जो भी फार्मूला हार्ड से हार्ड फार्मूला को आप मैथमेटिक्स में बार बार यूज कर रहे होंगे ना, वो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस फार्मूले को आपने याद नहीं किया, बार बार सवालों में फुट किया, उसका यूज किया, उसका प्रयोग किया, देन वो चीजें स्लो हो जाती है और हमें याद हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलते हैं तो 7.3 दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर योर 10th क्लास एनसीईआरटी बुक्स। तो देन हम लोगों का उम्मीद है अगले क्लास में ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर के स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।